वेल डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस कोर्स APS 101 टू दिस सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। सो बेसिकली दिस कोर्स कोड इज APS 101 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 1 APS 101। सो इन यूनिट 1 देयर इज द टॉपिक्स आर सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजिकल एंड एडाफोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ सॉइल, सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग, रॉक्स एंड मिनरल्स, वेदरिंग एंड प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स वॉज फॉर्म 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। सो यूनिवर्स वॉज फॉर्म 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एंड आफ्टर दैट स्टार्स वर फॉर्म होल्डिंग ऑल मिनरल्स। सो क्या हुआ था, जो स्टार्स ने सारे के सारे मिनरल्स को होल्ड कर रखा था उस टाइम पे, सारे जितने भी मिनरल्स हैं हमारे, जितने पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी मिनरल्स हैं, दे ऑल आर फ्रॉम स्टार्स। देन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। एज द टाइम पासिस द मिनरल्स एक्सप्लोड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरनोवा, एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरनोवा स्टार। सुपरनोवा स्टार मतलब एक्सप्लोड करा स्टार्स जो है अपने, एक्सप्लोड किया इन्होंने ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रेविटेशनल पुल्स इन द सोलर सिस्टम, द मिनरल्स सेटल डाउन ओवर अर्थ सर्फेस। ओवर दिस टाइम जो आपके मिनरल्स थे वो सारे के सारे अर्थ सर्फेस में एक्युमुलेट कर गए। सो व्हाट इज अर्थ, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, बट लेट अस स्टार्ट दैट। ज्योग्राफिकली अर्थ कंस्टिट्यूट्स ऑफ थ्री स्फीयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो द सॉलिड जोन इज लिथोस्फीयर, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। द इनकम्प्लीट कवरिंग ऑफ वाटर फॉर्मिंग सीज एंड ओशंस इज हाइड्रोस्फीयर, you all know that, and gaseous envelope over the earth's surface is atmosphere. So we know that solid, liquid and gas, okay, solid, liquid and gas. So let's start with atmosphere. The atmosphere forms an envelope of 322 kilometer over earth's surface. So this means this is earth, and if there is a 322 kilometer in the periphery, 322 kilometer, sorry, it should be spherical, so 322 kilometer peripheral is atmosphere, okay, so it's the envelope of gases, okay. So this envelope of air that covers both lithosphere and hydrosphere is called atmosphere, okay, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोथ लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। दिस एनवेलप ऑफ एयर दैट कवर्स बोथ, किसको कवर कर रहा है, लिथोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को, तो उस एनवेलप को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। एनवेलप कर रहा है किसको, एनवेलप जो है कवर किसको कर रहा है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को, ओके। सो इट कंटेन्स वाटर मॉड्यूल्स, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं विच एक्ट एज न्यूक्लियाई फॉर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड ऑफ फॉग। जब क्लाउड बनते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल से बनता है, जब फॉग बनता है तो डस्ट पार्टिकल से बनता है और वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होके। सो इन एडिशन इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन आर प्रेजेंट, ओके। वेरियस इनर्ट गैसेस आर ऑल्सो देयर, सो दे आर नॉट रिएक्टिंग इन द एटमोसफियर, दे आर इनर्ट। The water vapor content in atmosphere varies from place to place and time to time. So air becomes less dense with height until it gets too thin to support life. Atmosphere contributes only 0.03% weight to earth. तो अगर आप इसको आप देखेंगे, आप इस नोट्स को समझेंगे, तो अगर ये हमारा अर्थ है तो जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाइट के साथ, वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी हमारी ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो हमारा क्या चीज़ है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट के साथ, तो लेस डेंसिटी होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, ओके। ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट्स ओनली 0.03% वेट टू द अर्थ, ओके। सो दिस मीन्स 0.03% वेट टू अर्थ। तो इसका जो वेट है, जो एटमॉस्फेयर का वेट है, वो कंट्रीब्यूट, जो अर्थ के मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, बस 0.03%।
सो वॉट आर द कम्पोजिशन ऑफ मेजर गैसेस? जो एटमोसफेयर में हमने समझा कि ये गैसेज है, गैसेज और वाटर वेपर है, तो इसमें और कौन कौन सी मेजर गैसेस होती हैं? इनर्ट गैसेस तो हमने पढ़ा, लेकिन जो मेजर गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ये नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा मेजर फर्टिलाइजर बनाया जाता है। एटमोसफेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके हेबर प्रोसेस से हम बाद में पढ़ेंगे जो अमोनिया सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट इज CO2 एंड ऑर्गन। इसकी परसेंटेज आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% होता है, रफली रफ फिगर है। O2 20.9 फिगर परसेंटेज है, CO2 0.03% है, आर्गन 0.9% है। तो ये आपका जो एटमोसफेयर कंट्रीब्यूट ओनली 0.03%, जो उसमें से जो गैसेज हैं एटमोसफेयर में, ये गैसेज हैं मेजर, बाकी बहुत सारी गैसेज होती हैं। वेल सेकेंड थिंग इज हाइड्रोस्फेयर, सो लेट्स मूव टू हाइड्रोस्फेयर। सो हाइड्रोस्फीयर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सो मीन 75%, 70 to 75% इज देयर। सो नंबर टू इज हाइड्रोस्फीयर इज 10 किलोमीटर डीप एंड ऑक्यूपाइज 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन द ओशन बेसिन्स एंड ऑल्सो अपियर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड एज ग्राउंड वाटर। दिस मीन्स इसका जो 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई हाइड्रोस्फीयर। बट लिथोस्फेयर, लेट्स मूव टू लिथोस्फेयर। इट इज अ सॉलिड स्फेयर, इट कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स, ओशन बेसिन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वैली, सैंड ड्यून्स, लावा फ्लोज एंड फॉल्ट स्लॉप्स, स्कैप्स। द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इट इज कवर्ड बाई गैसेज एंड वाटरी एनवेलप्स। इट अमाउंट टू 93.06% मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें लिथोस्फीयर तो हमें पता है वो सॉलिड स्फीयर है, लेकिन वो मास में कितना, अर्थ के मास में कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो करता है 93.06% मास कंट्रीब्यूट करता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो बेसिकली अर्थ अर्थ के कंपोनेंट आपने पढ़े होंगे आपने स्कूल लाइफ में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आर द क्रस्ट इज आउटर कवरिंग। सो मोस्ट ऑफ द हार्ड हार्ड नेचुरल विटामिनेट, सो मोस्ट ऑफ द हार्ड नेचुरल फॉर्म सब्सटेंसेज ऑफ द अर्थ इज रिफर्ड टू एज रॉक। आउट ऑफ 106 एलिमेंट्स नोन, 8 आर सफिशियंटली अबंडेंट एज टू कंस्टिट्यूट 98.6% बाई वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अप टू 16 किलोमीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that if we go deeper up to 16 kilometer, we will find eight elements that are sufficiently abundant as to constitute 98.6% of the earth crust. मतलब जो 106 एलिमेंट जो पुराना डाटा है, अभी तो 180 एलिमेंट्स हैं, तो अगर 106 एलिमेंट्स में से अगर बोलते हैं तो 8 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, वो 8 एलिमेंट्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं किसको, 98.6% ऑफ अर्थ क्रस्ट को। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एट एलिमेंट्स के बारे में जानना समझना, क्योंकि इसी से रॉक, क्योंकि अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट में रॉक की भूमिका आएगी। एंड मोस्ट ऑफ द हार्ड नेचुरली फॉर्म सब्सटेंस ऑफ द अर्थ इज रिफर्ड टू एज रॉक एज वी नो। सो रॉक से ही हमारा सॉइल बनेगा, तो इसलिए हमको ये एट एलिमेंट्स को जानना समझना जरूरी है कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज इनका प्रपोर्शन में आता है। सो एट एलिमेंट्स आर अबंडेंट, जिसमें 98.6% है, ठीक है, वेट पूरा। तो नॉन मेटेलिक आप देखिए, इसमें नॉन मेटेलिक सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि क्रस्ट है, तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स में भी ऑक्सीजन होता है। तो बेस्ड ऑन दैट टोटल नॉन मेटेलिक में सबसे पहले ऑक्सीजन जो आ रहा है वो 46.60% इसका परसेंट है क्रस्ट में कंपोजिशन। सिलिका, नेक्स्ट इज सिलिका 27.72%। अगर कोई पूछता है कि कौन सा नॉन मेटेलिक गैस होती है, जो हमारी गैस होती है, बट आप क्या बोलेंगे, ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है, क्रस्ट में कंपोजिशन। नॉन मेटेलिक सबसे पहला नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीजन। सबसे सेकंड कौन सा नॉन मेटेलिक एलिमेंट हुआ? सिलिका। उनका परसेंटेज आप ये मेंशन कर देंगे। मेटेलिक की बात आती है तो मेटेलिक में सबसे टॉप पे कौन है? एल्यूमिनियम, ठीक है, मेटेलिक में सबसे टॉप में कौन है? एल्यूमिनियम 8.13। बेसिकली आपको दो तीन याद रखने होते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन आप याद रख लीजिए, 8.13 और 5%। ओके, टोटल इज 98.6%।
सो द अर्थ क्रस्ट इज प्रिंसिपली कंपाज ऑफ मिनरल मैटर, ये हमें क्लियर हो गया है. ओके, दिस मिनरल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, तो ये मिनरल मैटर जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से कंबाइन होके कंपाउंड बनाता है. द एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट एज सच. तो इसमें बताया कि एलिमेंट्स जो है सोलली अवेलेबल नहीं होते क्रस्ट में, वो उनका कॉम्बिनेशन होता है, कुछ डेफिनेट कॉम्बिनेशन बनता है. तो अब हमें डेफिनेशन याद रखनी है, रॉक्स और मिनरल्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ईच एलिमेंट इज इन कॉम्बिनेशन विद वन और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म डेफिनेट केमिकल कंपाउंड्स. ध्यान रखिएगा, अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डेफिनेट केमिकल कंबिनेशन से बनता है तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे मिनरल्स. ओके, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स होता है. ठीक है, तो ईच एलिमेंट इज इन कॉम्बिनेशन विद वन और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म डेफिनेट केमिकल कंपाउंड्स नोन एज मिनरल्स. ओके, मिनरल्स होते हैं, मैनी ऑफ दीज मिनरल्स. और मिनरल्स की डेफिनेशन वो बोलेगा अगर, तो आप क्या बताएंगे, मिनरल जो है रॉक से डिराइव होता है. किससे डिराइव होता है, मिनरल जो है रॉक से डिराइव होता है. ओके, ये भी आप बताएंगे. तो मैनी ऑफ दीज मिनरल्स इन टर्न कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स विच वी नो एज रॉक्स. तो जो मिनरल, जब एक मिनरल दूसरे मिनरल से फिर कंबाइन होता है और कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेता है विद ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम, जब जैसे टाइम पास होता है तो हमारी रॉक्स डेवलप हो जाती हैं और इन रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स की कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये मिनरल्स का समझ में आना चाहिए आपको कंसेप्ट और रॉक्स का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट. ओके, ऑल द मिनरल मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स. सारा मिनरल मैटर जो है रॉक्स में ही प्रेजेंट है. और रॉक्स कहाँ होती है, अर्थ क्रस्ट में होती है. ओके, सो रॉक इज कम्पोज ऑफ एलिमेंट्स विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ एटम्स. तो रॉक इज कम्पोज किससे होता है, क्योंकि मिनरल, मिनरल किससे, एलिमेंट से. तो एलिमेंट किससे बने, एटम से बने. वी ऑल नो एटम से ही सारे एलिमेंट्स बनते हैं. ओके, तो थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म बाई वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम रॉक्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि हम रॉक कौन कौन से रॉक होती हैं, कैसे बनती हैं और रॉक की कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, रॉक साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है, अब बेसिकली रॉक साइकिल में सबसे पहली रॉक कौन सी बनती है. तो बेसिकली आपको इसमें दिख रहा होगा इस इमेज में कि दे आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर देयर. ओके, सो सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है, सबसे पहले रॉक बनी है इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक बनती कैसे है कि जो मैग्मा है उसका मोल्ट किया जाता है, जब उसको सॉलिडिफाई होता है, मोल्टन मैग्मा को जब सॉलिडिफाई किया जाता है, मोल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होके इग्नियस रॉक बनता है. ये मैग्मा कहाँ से आया, ये वॉल्केनिक इरप्शन से आया. ठीक है, वॉल्केनो आया सबसे पहले इरप्शन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरिएशंस. तो ये मैग्मा इरप्ट हुआ. ओके, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हुआ, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे और, लेकिन अभी रफली आइडिया ले लीजिए. सब सॉलिडिफिकेशन हुआ, फिर इग्नियस रॉक बने. इग्नियस रॉक बनने के बाद इग्नियस रॉक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे अभी हम. फिर उसके बाद इग्नियस रॉक बनने के बाद इसकी वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, तो इसके ये टूटा और ये चेंज हुआ, ये कन्वर्ट किस में हो रहा, सेडिमेंट्री रॉक में हुआ. ओके, सेडिमेंट्री रॉक से हुआ, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या हुआ, हीट और प्रेशर की वजह से हीट हुआ, इसमें प्रेशर लगा कुछ केमिकल एक्शन की वजह से, नेक्स्ट रॉक जो बनी है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनी है. तो ये आपको चीज़ याद रखनी है. अभी हम बाकी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं विद नोट्स. तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए. मैग्मा से इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से फिर टूट टाट के वेदरिंग होके इरोड करके सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर के चेंजेस में आके चेंज इन हीट और प्रेशर लग के उसमें केमिकल एक्शन होके मेटामॉर्फिक रॉक का डेवलपमेंट हुआ. तो रफली आपको ये आइडिया हो गया कि तीन टाइप की रॉक होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, ये चीज़ अब क्लियर हो जाना चाहिए. तीन टाइप की रॉक होती हैं और इन्हीं से हमारे जो आपके आप देखोगे इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेदर कर करके हमारी सॉइल बनी है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक होती क्या है वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे इसमें. तो दे आर फर्स्ट फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा. ठीक है, हमने पढ़ लिया कि मोल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होके सबसे पहले कौन सी बनती है, इग्नियस रॉक. तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एक्सक्लूसिव रॉक एंड इंक्लूसिव रॉक. देखिए किसकी वजह से, मोड ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, कैसे बना है वो आप ध्यान रखिएगा. तो मैग्मा आपको पहले पता ही होगा, मैग्मा क्या होता है, मोल्टन रॉक बिलो अर्थ सरफेस. जब आपने देखा होगा, जब
लावा इरप्ट होता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो उसमें आपने मैग्मा का रोल पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैग्मा इज मोल्टेन रॉक बिलो अर्थ सर्फेस। सो टू टाइप्स ऑफ रॉक आर देयर, वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक, ठीक है, जिसे हमने बोला एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव कौन सी रॉक हो गई, वॉल्केनिक, एंड इंक्लूसिव कौन सी रॉक हो गई, प्लूटोनिक। तो आपको याद करना है तो कैसे करेंगे इसको, वी को ई के साथ अब लिंक करेंगे और पी को आई के साथ लिंक करेंगे, ठीक है, वैपी करके आप याद कर सकते हैं, वैपी, ठीक है। तो वॉल्केनिक मतलब वॉल्केनिक मतलब एक्सक्लूसिव एंड प्लूटोनिक मतलब इंक्लूसिव, ओके, वैपी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो वॉल्केनिक मतलब एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज ऑन अर्थ सर्फेस, ओके। सो ऑन अर्थ सर्फेस ध्यान रखना, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है वॉल्केनिक एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव से समझ रहे हैं बाहर, ठीक है, एक्सक्लूसिव से मतलब समझ रहे हैं बाहर। तो व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाई, जब मैग्मा ठंडा हो रहा है उससे इग्नियस रॉक बन रही है, मैग्मा ठंडा होके सॉलिडिफाई कर रहा है उससे इग्नियस रॉक बन रही है। तो मैग्मा सॉलिडिफाइज ऑन अर्थ सर्फेस, जब ऑन अर्थ सर्फेस तब उसे बोलेंगे वॉल्केनिक यानी एक्सक्लूसिव। प्लूटोनिक क्या होता है, जिसे इंक्लूसिव बोलते हैं, जिसे नाम से समझ में आ रहा है इंक्लूसिव, तो इसका मतलब बिलो द सर्फेस होगा, पढ़ते हैं इसको, इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो द सर्फेस, द कम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक वेरीज विद सिलिका कंटेंट। अब ये चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बिलो द कंटेंट, बिलो द सर्फेस एंड ऑन द सर्फेस, तो उसके बेसिस में वॉल्केनिक और प्लूटोनिक में दो चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। सो बेसिकली द कम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक वेरीज विद सिलिका कंटेंट, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सिलिका कंटेंट के SiO2 जिसे हम बोलते हैं सिलिका, ठीक है, सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, सिलिका जो सिलिका कंटेंट की वजह से हमारे कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक वेरी करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इसको याद करना है तो मैं आपको इसको याद करवाता हूँ। बेसिकली सिलिका रिच रॉक्स कंटेन्स द मिनरल्स क्वार्ट्स, मिनरल कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका, ये QFM तो आप याद रखिएगा, ये QFM दीज आर मेजर मिनरल्स एंड एम्फीबोल, ओके। तो सिलिका पुअर रॉक्स डू नॉट कंटेन क्वार्ट्स बट फेल्डस्पार, ओलिविन एंड पैरोक्सिना रिलेटिवली कॉमन। तो सिलिका मेन चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इग्नियस रॉक जो है डिवाइड किया गया है सिलिका के कंटेंट में, अभी हम समझेंगे आगे कैसे कंटेंट में किस वेरिएशंस की वजह से वो चेंज किया गया। तो बेसिकली वॉल्केनिक और इंक्लूसिव आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बाकी और कोई जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको समझा दिया इसमें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे याद करना है आपको। तो मैं इग्नियस रॉक का अगर आप एग्जांपल लेता हूँ, जो मेन आपको याद रखने हैं चाहिए, तो इग्नियस रॉक में एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, GBRS, ये कोड है GBRS, जी फॉर ग्रेनाइट, बी फॉर बेसाल्ट, आर फॉर रहलाइट एंड एस फॉर साइनाइट, ठीक है, रहलाइट और साइनाइट, ठीक है। तो आप इसके अगर गूगल भी करेंगे तो आप भी आपको पता चल जाएगा इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रहलाइट और साइनाइट, ये आपको बेसिकली ये चार तो आपको याद रहने चाहिए, बाकी भी आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि मेन कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे, कि सिलिका के बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, सिलिका के बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ है। तो कौन कौन सा क्लासिफाई किया गया, एसिड रॉक्स मोर देन 65% सिलिका, ठीक है, तो ऐसे रॉक्स जिसका सिलिका 65% से ज़्यादा होगा उन रॉक को क्या बोलेंगे, एसिड रॉक। उसका आप एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ग्रेनाइट। एज ए सब एसिड रॉक्स जैसे 60-65%, उसका एक एग्जाम्पल याद कर लिए, साइनाइड। सब बेसिक रॉक, अब सब बेसिक आ गया, ओके, हम एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहे हैं, तो 55-60% सिलिका होगा, तो उसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, डेवराइट। इसी तरह बेसिक रॉक जिसका 45-55% सिलिका होता है, इसका गैब्रोस या बेसाल्ट को याद कर, बेसाल्ट याद कर लीजिए। एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स में जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, डायराइट याद कर लीजिए, याद करना है तो, ठीक है, इसमें तो बेसिकली सॉरी डेवराइट उसमें नहीं आएगा, नहीं डॉलराइट आएगा और डेवराइट, इसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, डेवराइट जो होता है और डेवराइट जो होता है ये सेम होता है, ठीक है, ओके। तो हमें जो मेन चीज़ें हमें याद रखनी है, हमें सारी चीज़ें डिटेल में नहीं जानी है, सारी चीज़ें हमारी MSc और PhD में होती हैं, बट फिर भी हमें एक ब्रॉड ग्रुप में हमें ध्यान रखना है कि एसिड से लेकर अल्ट्रा बेसिक रॉक तक किस बेसिस में डिफ्रेंशिएट किया गया है, सिलिका के बेसिस में। अब मैंने आपको GBRS तो बताया था इग्नियस का, अब सेडिमेंट्री का क्या है, आप मेजर आप याद कर लीजिए, LSSD, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, तो इसको लाइमस्टोन,
सैंडस्टोन, शेल एंड डोलोमाइट. ओके ठीक है, लैंडस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एंड डोलोमाइट, या सैंडस्टोन को क्वार्ट्स भी बोलते हैं. ओके सैंडस्टोन को क्वार्ट्स भी बोलते हैं. तो सच रॉक्स आर डिराइव फ्रॉम इग्नियस रॉक्स. दीज रॉक्स, ये किससे डिराइव हुए हैं? सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक्स होते हैं, मैंने आपको साइकिल में देखा भी हमने. दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड थ्रू विंड और वाटर एक्शन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ द सेडिमेंट. तभी तो सेडिमेंट्स बोला है, जब ये वेदर हुआ, वेदर होने के बाद सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ होगा. तो कन्वर्ट सेडिमेंट्स का जो एक्यूमुलेशन हुआ थ्रू विंड और वॉटर एक्शन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको हम जब एक्यूमुलेशन हो गया उन सेडिमेंट्स का, तो हम उसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. सो मैनी आर डिपॉजिटेड इन लेयर और फॉर्म थ्रू केमिकल रिएक्शन एज प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस. सो सेडिमेंट्स मे कंटेन वेरियस साइज पार्टिकल सीमेंटेड टुगेदर बाई सब्सटेंसेज लाइक SiO2, Fe2O3 और लाइम. बहुत सारे मिनरल्स हैं, बस बाद में जाके सॉलिडिफाई करते हैं. हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखने हैं. दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास्टिक रॉक्स. ओके, क्लास्टिक रॉक कैसे बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, LSSD. ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, LSSD चार याद होने चाहिए, चार उसके आपको इग्नियस के भी याद रखने चाहिए. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक. सो मेटामॉर्फिक रॉक, दीज आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर, केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस. आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें लिखा है इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बन सकता है. ओके, इग्नियस से तो इग्नियस जो है सेडिमेंट्री बना रहा है, लेकिन इग्नियस डायरेक्टली मेटामॉर्फिक बना सकता है. आपको टेबल देखते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. ये जो डायग्राम हमने देखा था, तो इसमें क्या है, इग्नियस से सेडिमेंट्री बन रहा है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रहा है, लेकिन इग्नियस से भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन सकता है. किससे, कैसे बनेगा? चेंज बाय हीट, प्रेशर एंड केमिकल एक्शन. सेम प्रोसेस लागू हो जाएगी अगर इग्नियस रॉक में, तो इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन जाएगा. इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर दैट इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक बनेगा, और इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है. सो देयरफॉर दिस थिंग इज क्लियर, आई थिंक दैट दीज आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर, केमिकली एक्टिव लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, चेंजेस में ऑकर इन मिनरल कंपोजिशन और टेक्स्चर बोथ. द चेंजेस ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोमेटामोफोसिस. ओके, हाइड्रोमेटामोफोसिस, मोफोसिस मतलब चेंज हो रहा है. तो अगर चेंज कर रहा है वाटर की वजह से, ठीक है, अगर वाटर की वजह से हो रहा है तो उसे हाइड्रोमेटामोफोसिस बोलते हैं, अगर प्रेशर की वजह से हो रहा है तो उसे डायनामो मेटामोफोसिस बोलते हैं, उस प्रोसेस को. इसके एग्जांपल क्या क्या है ध्यान रखना चाहिए आपको, इसके एग्जांपल एक्चुअली बेसिकली आपको डिराइव से याद करना पड़ेगा. मतलब आपको कौन सा सेडिमेंट्री से कौन सा डिराइव हुआ, तो वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा. आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है हर हाल में. तो मेन चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि जो सैंडस्टोन है, बेसिकली सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्स, वेट अ मिनट मैं इसको, तो सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है. ठीक है, सैंडस्टोन हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, और सैंडस्टोन का नाम क्या है, क्वार्ट्स. सैंडस्टोन को क्वार्ट्स बोलते हैं, तो क्वार्ट्स से बना क्वार्ट्जाइट. ठीक है, क्वार्ट्जाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक. शेल क्या था, हमने पढ़ा था, शेल क्या था, LSSD में शेल क्या था, शेल सेडिमेंट्री रॉक था. तो सेडिमेंट्री रॉक, इस सेडिमेंट्री रॉक से, इस शेल से क्या बना, स्लेट, माइका, जो आपने देखा होगा बचपन में आप स्लेट का यूज़ करते होगे. तो स्लेट कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है. ठीक है, स्लेट, माइका. ओके, लाइमस्टोन जो LSSD में, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है ये भी. तो ये लाइमस्टोन से क्या बन रहा है, मार्बल. तो जो आपने घर में मार्बल देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, तो किससे बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा. ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या था, ग्रेनाइट हमने देखा होगा, ग्रेनाइट क्या था, ग्रेनाइट से ग्रीन्स बना, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक था. ठीक है, एसिड इग्नियस रॉक, तो ये इग्नियस रॉक था, इस ग्रेनाइट से ग्रीन्स बन रहा है. नीज बोलते हैं, जी साइलेंट रखते हैं, तो नीज जो है हमारा क्या है, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है. इसी तरह डॉलराइट जो है उससे हॉर्नब्लेंडे ग्रीन्स बनता है. तो आपको ये चार तो आपको याद होने चाहिए, बेसिकली चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है. चार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे बेसिकली एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसे मेंशन कर देंगे. सो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लेक्चर क्लियर हो गया होगा. कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.